हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि अपने बालों को लॉन्ग और हेल्थी कैसे रख सकते हैं और कैसे इन्हें ग्रे होने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि उसके बाल मजबूत, स्वस्थ और चमकदार दिखे, पर बाल आपकी ब्यूटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और साथ ही साथ ब्यूटीफुल हेयर आपके ओवरऑल वेलबींग को भी शो करते हैं। बार बार हेयर रिबॉन्डिंग कराना, स्ट्रेटनिंग कराना और अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल के लिए केमिकल का यूज करना, ये गाइस हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ही हमारे बालों को वीक भी कर देते हैं। सो गाइस, लेकिन कभी कभी ये सब चीजें भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है और ना चाहते हुए भी हम अपने बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप मेरे बाल देखिए कितने लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आज आपको बताऊंगी कि इस तरह के हेयर आप घर बैठे कैसे रख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको लॉन्ग एंड हेल्दी बालों के लिए एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी दूं, मैं आपको 10 क्विक हेयर टिप दूंगी जो आप लोगों को फॉलो करनी है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, यहाँ पर पहला टिप है कि हेयर वॉश करने से पहले हेड मसाज कैसे और किस ऑयल से करें। ध्यान रखना कि बिना तेल लगाए अपने बालों को ना धोएं और दूसरा, बिना सोचे समझे कोई भी तेल बालों में ना लगाएं। बालों के लिए हेयर ऑयल आपके बालों के टाइप पर डिपेंड करेगा। दोस्तों, जनरली 3 टाइप्स के हेयर होते हैं और हर टाइप के हेयर के लिए डिफरेंट ऑयल और मसाज करने का तरीका भी अलग होता है, तो मैं इस बारे में आपको बताती हूँ। जिनके बाल ड्राई, रफ हैं और टाइप 1 की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि यहाँ आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ऐसे लोगों को हेयर वॉश करने से पहले तिल के ऑयल से मसाज करनी चाहिए। आप नाइट में ऑयल से अच्छे से हेड की मसाज करें और नेक्स्ट मॉर्निंग हेयर वॉश करें, ऐसा एटलीस्ट 3 टाइम रिपीट करें एवरी वीक। इसी तरह जिन लोगों के हेयर बहुत ही सॉफ्ट, हल्के, टाइम से पहले ग्रे होना शुरू हो गए हैं और जैसा डिस्क्रिप्शन आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसे हेयर टाइप 2 की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे हेयर वाले लोगों को कोकोनट ऑयल से हेड की मसाज करनी चाहिए। मसाज का तरीका वही होगा जो हमने टाइप 1 में बताया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके बाल मोटे, ऑयली बट सॉफ्ट होते हैं और टाइप 3 की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। ऐसे हेयर पर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल की मसाज करें और वो भी सिर्फ हेयर वॉश करने से कुछ घंटे पहले। सो गाइस, दूसरा टिप है हेयर वॉश के अराउंड कभी भी गर्म पानी से या ठंडे पानी से बालों को ना धोएं, क्योंकि यह स्किन और बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। गर्म पानी से बालों को धोना बालों के झड़ने और समय से पहले बालों के झड़ने का सबसे आम कारण है। सर्दियों में बालों को लिक्विड वाटर से वॉश करना चाहिए और गर्मियों में रूम टेम्परेचर के पानी से धोया जा सकता है गाइस। सो गाइस, हमारा थर्ड पॉइंट है, गीले बालों में कभी भी कॉम ना करें, यह जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। सो गाइस, बालों को अच्छे से ड्राई होने पर ही कॉम करें। फोर्थ पॉइंट है, बाल जल्दी झड़ने का स्ट्रेस और लेस स्लिप भी एक मेन रीज़न है, इसलिए एंश्योर कि आप अच्छी नींद लें और मेडिटेशन करें। एंश्योर करें कि आप भी हर नाइट 8 घंटे की नींद लें। फिफ्थ पॉइंट इज, धोने के बाद बालों को जल्दी सुखाने के लिए एक टॉवल में लपेटें और हेयर जेल कभी ना लगाएं। बालों को धोने के बाद हर्बल हेयर सीरम का ही यूज करें। सिक्स पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग केमिकल शैम्पू का बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए और अपने केमिकल शैम्पू को बाय बाय कहें और हर्बल शैम्पू का यूज़ करें। पॉइंट नंबर 7, बहुत ज़्यादा फैटी फूड ना खाएं और ग्रीन वेजिटेबल्स जो विटामिन A, B, C एंड जिंक में रिच होती है, उनको अपने डेली फूड का एक पार्ट बनाएं। पॉइंट नंबर 8, बहुत अधिक कॉफ़ी और चाय ना पिएं। फ्रेंड्स, अगर हो सके तो काओ का मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। पॉइंट नंबर 9, टाइप 3 हेयर्स, जैसा कि हमने पहले बताया, ऐसे हेयर पर हेयर ड्रायर का कभी भी यूज़ ना करें। पॉइंट नंबर 10, इन द एक्सट्रीम सनी कंडीशन व्हेन टेम्परेचर इज अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एक हेयर कैप पहने या अपने सिर और बालों को कपड़े से ढक लें। गाइस, ये सभी टिप्स आप फॉलो कीजिए, हेयर बहुत हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहेंगे हमेशा। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपनी होम रेमेडी के बारे में बताती हूँ, जिसकी वजह से मेरे हेयर इतने सिल्की, लेंथी और स्ट्रेट रहते हैं। और इसको लगाने के बाद आपको कंडीशनर या किसी केमिकल स्ट्रेटनिंग की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है
बट बहुत ही पावरफुल है और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। यहाँ आपको लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने यहाँ पैराशूट का लिया है। ये रेड अनियन है, आप प्लीज रेड अनियन का ही यूज करें। व्हाइट अनियन भी आप ले सकते हैं बट ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। थर्ड एलोवेरा लीफ, अगर आपके घर में एलोवेरा लीव्स नहीं है तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। गाइस एलोवेरा को पील ऑफ करके इसका जेल पार्ट बाहर निकाल लें और मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लें। इसी तरह पील्ड ऑफ अनियन का भी जूस मिक्सर में निकाल लें। सो गाइस अब यहाँ प्लीज मिक्सचर की प्रोपोर्शन का भी ध्यान रखें। 20 ml एलोवेरा जूस जो 4 चम्मच है, 20 ml अनियन जूस जो 4 चम्मच है, 10 ml कोकोनट ऑयल जो 2 चम्मच है। ये क्वांटिटी आप अपने स्कल के साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं बट प्रोपोर्शन का भी ध्यान रखें। गाइस अब आप अपने बालों को इक्वल पार्टीशन करें और कॉटन बॉल को मिक्सचर में डिप करके हेयर की रूट में अच्छे से लगाएं, जैसा कि यहाँ वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। मिक्सचर पूरा लगाने के बाद अपने बालों को रैप करें और एक हेयर कैप पहन लें। इस मिक्सचर को 1 घंटे तक रखना है, उसके बाद आप किसी भी हर्बल शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं। आफ्टर वॉशिंग आप देख सकते हैं कि मेरे बाल यहाँ कितने सिल्की एंड शाइनी हो गए हैं। आप भी ये रेमेडी को यूज़ करें और बालों को ब्यूटीफुल बनाएं। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके गाइज बाय बाय।